अखबार कहाँ है? बुखार है। रुको अभी मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आती हूँ। चिंता मत करो, अभी चला जाएगा बुखार। यही नाश्ता ले आऊँ? नहीं माँ, मैं खुद कर लूंगा। हेलो, क्या मतलब है तुम्हारा? सब ठीक तो है? अभी ऑफिस आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। पता नहीं यार अब क्या हो गया यार। क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं, वापस ऑफिस जाना पड़ेगा। तुम्हारा बेटा बीमार है, तुम ऑफिस जाने की बात कर रहे हो। प्लीज पहले डॉक्टर को कॉल करो। अफो, मेरे पास बीमारी पर ध्यान देने के लिए समय नहीं है। ये सब तुम करो, मुझे अभी वापस ऑफिस जाना है। हेलो डॉक्टर साहब, मैं आयुष की मम्मी प्रियंका बोल रही हूँ। आयुष अचानक बीमार हो गया है, प्लीज आप अभी घर आ सकते हैं? प्लीज जल्दी आ जाइए। हेलो, मैंने भी डॉक्टर को फोन किया है। आयुष की अचानक तबीयत खराब हो गई है, पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, तुम उसका ख्याल रखो, मैं मेरा काम पूरा होने के बाद आऊंगा। डॉक्टर साहब, ये महीने भर पहले तो आयुष बिल्कुल ठीक था, क्या हो जाता है उसको बार बार, समझ में नहीं आ रहा। अभी कुछ हो सकता है? देखिए, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, उसे पूरे आराम की जरूरत है। हाँ, मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ। ये मेडिसिन आप उसे जरूर दीजिएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। ये दवाइयाँ ज्यादा महंगी है? अरे आर्यन, डोंट वरी, जो पहले दवाइयाँ मंगवाई थी उससे ज्यादा कॉस्टली नहीं है। और वैसे तुम टेंशन मत करो, मैं बिल में ऐड कर लूंगा। चलता हूँ, बाय। थैंक यू डॉक्टर।
मुझे यकीन नहीं हो रहा, आपने ऐसा पूछा डॉक्टर से? आयुष हमारा बेटा है, वो बीमार है, और आप डॉक्टर से कीमत पूछ रहे दवाई की? अरे मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि ये डॉक्टर हमसे ज्यादा पैसे तो नहीं ले रहा। अगर तुम हमारे साथ ज्यादा वक्त बिताते तो शायद ये नौबत नहीं आती। क्या आप बता सकते हैं आयुष का क्या हुआ है? मैंने आयुष को देखा है, मुझे लगता है कि हमें कुछ और टेस्ट करा लेने चाहिए, लेकिन आप चिंता नहीं करें, मैं सिर्फ बेटर ट्रीटमेंट के लिए करा रहा हूँ। ठीक है, कल मैं आयुष को लेकर आपके क्लिनिक आती हूँ। थैंक यू। डॉक्टर ने फ़ोन किया था, उन्हें आयुष के और टेस्ट करने हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं कुछ गंभीर बात तो नहीं, पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। डॉक्टर तो सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए टेस्ट कर रहा है। और फिर मैं कल तुम्हारे साथ डॉक्टर के क्लिनिक भी तो चल रहा हूँ, ओके? अरे बेटा तुम फिकर मत करो, हम कल डॉक्टर के पास जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। माँ कहाँ है, मुझे लोरी सुनना है। बेटा वो हाल में है, उसको मैं अभी भेजता हूँ तुम्हारे पास। आयुष फिलहाल ठीक है, लेकिन इस बात का भी दुख है कि हम उसे पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ तो कीजिए, डॉक्टर साहब पैसे की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर साहब आई एम सॉरी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे यकीन नहीं हो रहा डॉक्टर, कुछ तो इलाज होगा इस चीज़ का। देखिए मैडम, हम लोगों ने पूरे एफर्ट्स उसके लिए किए, बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन दी हैं उसको, लेकिन क्या बताएं, असलियत यह है कि आप दोनों ही उसका इलाज कराने में बहुत लेट हो गए हो। आई एम सॉरी। गुड मॉर्निंग सर, प्लीज। अच्छा मैं चलता हूँ। ये सब मेरी ही गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे मत मांगो, माफी अपने बेटे से मांगो जिसके साथ आपने कभी वक्त ही नहीं बिताया। आपको पता है वो आपसे कितना प्यार करता है, और वो चाहता है कि आप उसे उतना ही प्यार करें, लेकिन आपको तो देख के लगता है कि आप उसके पापा ही नहीं है। ये मुझसे क्या हो गया, अब मैं क्या करूं? ये आपको देखना है आपको क्या करना चाहिए। आयुष रूम में है, जाके उससे माफी मांगिए। ठीक है। सॉरी बेटा, मैं तुम्हारा अच्छा पापा नहीं बन सका, क्योंकि जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी
तो मैं तुम्हारे साथ नहीं था, इसलिए बेटा आयुष प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा। कोई बात नहीं पापा, मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप मेरे साथ समय बिताएं। बेटा मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा बेटा आयुष। प्लीज बेटा मुझे माफ कर दो बेटा।